करते हैं। गांधी जी ने कहा कि फिर कहा कि थोड़ी देर के लिए मैं ही नमक छोड़कर देखता हूँ। फिर गांधी जी ने खाने में नमक मिलाना बंद कर दिया। कस्तूरबा स्वास्थ्य बहुत अच्छे, ताली बजाइए भाई के लिए, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। मिट्टी खोद कर वहाँ पर जमा करने लगे, तो वहाँ पर खड़े कुछ और लोग भी फावड़ा लेकर आके वहाँ पर खुदाई करके मिट्टी बराबर कर दी। बहुत अच्छे, ताली बजाएं इनके लिए, वेरी गुड। हारा हुआ मान करके हमारे देश को स्वतंत्र करके चले गए हमारे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। इनका भी जन्म देखो किसी बहुत बड़े रईस खानदान में होता शुरू में, परिश्रम करते 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 इन्होंने देश के दूसरे प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया। शास्त्री जी के जीवन की एक घटना हम अखबार में पढ़े थे, उसमें ये रेल मंत्री बनाए गए थे। एक रेल दुर्घटना होने के नाते इन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया, दुर्घटना की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए इन्होंने रेल मंत्री के पद से त्याग पत्र दे दिया। जब हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का दरबार हुआ, तब इनको प्रधानमंत्री के पद पर हमारे देश के नेताओं ने पदासीन किया। इन महान विभूतियों को हम बार बार नमन करते हैं, और बच्चों इन विभूतियों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। जन्मदिन मनाने का ये मतलब नहीं है हम यहाँ आए और भारत माता की जय बोल दिए, नहीं, इन नेताओं से इनके जन्मदिन के अवसर पर हमसे प्रेरणा लें कि कितनी परिस्थिति में, उसमें देखो जितना कपड़ा कमीज वाले पहने उनके पास कपड़ा भी नहीं रहता था, अभी देखो हम यानी जब देश स्वतंत्र हुआ है तब भी हम लोगों के पास न कपड़े उतने पर्याप्त थे, न चप्पल न जूते कुछ पर्याप्त नहीं थे, हम लोग वैसे भी पैदल एक ही कपड़े से अपना पहने जाते थे। तो ये सोचे उस समय कितनी परेशानी रही होगी, पर इन परिस्थितियों में उन्होंने अपने को ढाला और देश को स्वतंत्र करने में कामयाबी हासिल की। तो इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, पर तुमको प्रेरणा लेने के लिए उत्साहित करता हूँ कि महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लो और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। कल देखो उस लड़के की किताब में कई दिव्यांग व्यक्तियों का जीवन चरित्र पढ़े, पर वो अपने हार नहीं माने। हमारी पांच किताब में है एक लुईस बेल, वो छोटे ही अवस्था में अंधे हो गए थे, पर उन्होंने पढ़ने की ललक रखते हुए हार नहीं मानी और उन्होंने अंधों के लिए एक लिप का ही आविष्कार कर दिया। तो उसी प्रकार से जहां किसी भी क्षेत्र में रहो, सतत परिश्रम करते रहो, तो तुम हमेशा सफलता को प्राप्त करोगे। इन बच्चों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग आगे बढ़ेंगे और देश का, अपने गांव का, अपने विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। महात्मा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी।